नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा पिछले साल से उन बच्चियों की शादी कराई जाती है जो बच्ची के परिवार माली हालत से कमज़ोर होते हैं। ऐसे जोड़े ढूंढ कर निकाले जाते हैं जो अच्छे हों और जिनमें तालमेल सही बैठे, यानी पति पत्नी का जोड़ भी सही हो और उनके विचार भी, ताकि आगे चलकर कोई कहीं कोई परेशानी ना हो। और ये दूसरा साल था जब 6 जोड़ों की शादी कराई गई। ये आपको यहाँ बताते चलें कि ये एक बहुत अच्छा काम है, अच्छी पहल है नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा। और ये सारा का सारा शादी का एक्सपेंसेस, यानी जेवर से लेके खाना तक और सामान से लेके दावत तक, सारा कुछ ये संगठन ही अरेंज करके देता है। तो जितना भी सराहा जाए इस संगठन की इस कोशिश को कम है। और ये शादी का इंतजाम सोनारी भूतनाथ मंदिर में किया गया। आज पुनः मौका मिलेगा फोटोग्राफी का। बोलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, और हमारे जो भी वहाँ वॉलंटियर हैं थोड़ा मंच के पास जाकर के। सबसे पहले नरेंद्र मोदी विचार मंच की 24 छत्तीस मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे जैसे गरीब आदमी लिए करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरगुटू बागपुरा के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? गणेश साहब नाम है। इस तरह के सामूहिक विवाह हो रहा है तो क्या कई बात नहीं हम जो है मानिक मुखर्जी और अनिंदा दा भारती दा टाइम दिया हम लोग को, हम अनुरोध किया। हेलो हेलो, विवाह का जो संबंध बनता है ये बहुत ही अद्भुत है। और मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष जो है इस बार मान लिए 5 जोड़े जो हैं विवाह मंडल के लिए सात नंबर जो है ना। वर्षा भी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके आप लोगों को कार्यक्रम में दूर से ही सही कुछ नजर आए। और बहुत ही समस्या बन के हमारे लिए जरूर खड़ा हुआ था, लेकिन इस हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं जमशेदपुर से ही हूँ। और नरेंद्र मोदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, हम जैसे बेटियों के लिए वो सहारा बने। और मोदी विचार मंच से जो शादी हो रहे हैं मैं उसके लिए बहुत बहुत आपके हस्बैंड कहाँ के हैं? बारीडी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुप्रिया। झारखंड जमशेदपुर न्यूज़ 24 से मैं जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा 6 जोड़ी का शादी कराया जा रहा है भूतनाथ मंदिर सोनारी में। तो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा ये एक अच्छा कदम उठाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस तरीका का विवाह को का आयोजन किया गया है? सुजीत वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी विचार मंच झारखंड। किस तरह का विवाह हो रहा है? लोग तो बेटी को बहुत समझते हैं, ये ऐसी धारणा है समाज में, लेकिन नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और पिछले 2 वर्षों से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग 3 जोड़े कन्याओं का शादी किया, फिर इस वक्त 6 जोड़े कन्याओं का हम लोग शादी यहाँ पे करने जा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के उससे प्रेरित होकर हम लोग नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा एक अभियान के तौर पे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कुल 9 बच्चियों का शादी करवा चुके हैं और आगे भी ये अभियान हमारा जोर शोर से चलता रहेगा, क्योंकि शुरू में लोगों को पता नहीं था इसलिए हमारे पास उतने लोग नहीं आ पाते थे, इतना जानकारी समाज को बता रहे हैं। ऑनलाइन है जी बिल्कुल, हम लोग का नंबर है और कोई भी हमारा ऑफिस जो है यहाँ पे नॉट लिया आउट सुनारी में वहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 6 जोड़ी का शादी कराया गया। मैं News 24 से जावेद हूँ। विचार मंच की ओर से झारखंड प्रदेश के द्वारा द्वितीय सार्वजनिक शादी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 जोड़ों का कन्यादान का आज कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें हम लोग का विजन है कि मोदी जी आज देश में नहीं पूरे विश्व में एक उनका अलग छवि है और भारत का एक सम्मान बढ़ा है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हम लोग गरीब असहाय जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और आगामी भी हम लोग और बढ़ाते जाएंगे इसको। अब तक आप लोग कितने जोड़े का शादी करा चुके हैं? ये हम लोग का दूसरा है, इससे फर्स्ट में हम लोग एक समारोह का आयोजन हुआ था जिसमें 3 जोड़ों का हुआ था, अभी 6 जोड़ों का हम लोग करवा रहे हैं। माना जाए तो 9 जोड़ों का करा। हाँ अभी तक तो, फिर और आगे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। ये जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोकल जमशेदपुर? नहीं, लोकल जमशेदपुर के ही हैं, बस्ती एरिया से हैं सब जगह से। आपका पूरा नाम? अश्वनी झा, मैं प्रदेश संयोजक हूँ नरेंद्र मोदी विचार मंच।